दोस्तों नमस्कार। मैं अभी खेत में आया हुआ हूँ और भाई ट्रैक्टर से खेत में बान कर रहे हैं। ये देखो भाई, पीछे पीछे भाई आ रहे हैं, ट्रैक्टर पे आ रहे भाई। ये देखो भाई, ये देखो भाई कैसे होती है ट्रैक्टर से बान। सरसों के लिए ज़मीन तैयार करनी है। सरसों मेरे हिसाब से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बोई हो जाएगी। ऐसे होते ऐसे हो भगवान, ये कर रखे भाई। ये देखो बारिश के दौरान आड़ी में कचरा हो जाता ज़्यादा, उनके लिए ट्रैक्टर से बान करनी पड़ती है। ये देखो भाई, दोस्तों आज 4 एकड़ में बान करनी है। 4 एकड़ में मतलब ट्रैक्टर से लगभग 2.5 घंटे टाइम लगना है। आज गर्मी बहुत है भाई, धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है, बहुत ज़्यादा धूप तकड़ी है। ये देखो भाई ट्रैक्टर आगे पीछे पीछे भी, ये आ गया ट्रैक्टर भाई। मेरे ताऊजी का लड़का है डिप्टी प्रसाद, दोस्तों ये आ गया अपने बच्चे गोरियो सिवान का सूर्य स्कूल। ये सूर्य स्कूल, दो बच्चे अपने इस स्कूल में पढ़ते हैं, गोरेश और सिवान, जो अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पर है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता घर से आने के लिए, स्कूटी पे छोड़ के चले जाते हैं, वापस स्कूटी पे ले जाते हैं। सिर्फ 3 मिनट का रास्ता है घर से, पास में है, अच्छा स्कूल है, ठीक है। जो इसका डायरेक्टर है SS भारती, फुल नेम श्री श्याम सुंदर भारती, जो दिल्ली से है। दोस्तों पहुँच गया वहाँ घर अपने, घर आने में मुझे लगी है 7 मिनट, घर आ गया भाई। दोस्तों नमस्कार, अब मैं खेत में आया हुआ हूँ, दोबारा भाई के लिए चाय लेके आया हूँ। भाई ने आज इस खेत में 6 एकड़ में ट्रैक्टर से बान करके तैयार कर दी ज़मीन आज, और ये अपने खेत में वाइट बिल्ड वो दिख रहे हैं। पहले भी एक दिन मैंने वीडियो इसकी बनाई थी, वो भी उसमें वाइट ब्रिड बहुत ज़्यादा थे, आज भी बहुत ज़्यादा है। ये भी खेत के फैन हो गए वाइट ब्रिड। ये देखो मैं थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ उनको, ये रहा भाई। वाइट ब्रिड इन आवर फील्ड, और भाई लास्ट कैरी के अंदर ट्रैक्टर से बान करे, लास्ट कैरी में अबाउट लगभग 15 मिनट और लगने खेत में। दोस्तों बड़े लोगों को तो संडे के दिन बाहर घूमना होता है, पर हमारा होता घूमना खेत के अंदर, क्यों हम किसान हैं, वकील के साथ साथ हम किसान भी हैं, तो संडे और सैटरडे दोनों दिन हमारा खेत में गुजरता है, फसली तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो भाई अपना तो सैटरडे और संडे खेत में सही जुगाड़ कर रखे, शरीर की फिटनेस ठीक रहेगी, खेतों में काम करेगा तो।
और दिन ऐसा आसानी से कटेगा, एक नंबर का। अगले संडे फिर बंद करनी है जमीन, खाली जमीन में और ट्रैक्टर से बंद करनी है, वो भी दिन कटेगा। कोई कह रहा संडे क्या करोगे भाई, घूमने चलें। भाई हमारा घूमना तो अपने खेत में ही है, क्योंकि हम किसान के बेटे, हम खेती जमीन ठीक है, परमात्मा ने दिया है, खेती करनी चाहिए। किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा।